जय श्री राम। अचानक से आप पिन चेंज करते हो 3RC है तो उसमें एक सॉकेट टूट जाती है, इसमें तो इसमें भी एक सॉकेट टूट गई है। चलिए थोड़ा सा जूम करते हैं और आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि इसके अंदर भी सॉकेट टूट गई है। ऐसा देख सकते हो आप, इसमें भी आपको वाइट वाली सॉकेट टूट गई है। तो आखिरकार ऐसे अगर सॉकेट आपको भी टूट जाती है तो फिर इसको कैसे निकालना होगा? बहुत ईजी है, बहुत ही आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, शॉर्टकट वीडियो होगी, लगातार देखना। उससे भी इम्पोर्टेंट एक जानकारी ये देनी है कि अगर आप हमारे चैनल के साथ नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी सबसे पहले। आपके लिए शॉर्ट शॉर्ट जानकारी लेके आने में बहुत सारी कठिनाइयाँ होती है तो भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए, इसके लिए एक आपको एक लेना होगा इस तरह का नीडल, जो कि आप सुई भी बोल सकते हैं इसको, और इस नीडल के साथ साथ आपको एक लेनी होगी आयरन। आयरन अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी भी हीटिंग का प्रयोग कर सकते हो, जैसे मैं आपको कोई भी रॉड वगैरह गर्म करके आप बस इस पर टच करो। और ज़्यादा लोग क्या करते हैं कि इसको निकालने के चक्कर में आपको और अंदर इसको ढकेलते चले जाते हैं, तो भाई साहब ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको ऊपर के साइड टूटी हुई है तो भी आपको यहीं अप्लाई करना होगा, नीचे के साइड अंदर के साइड चली गई है तो भी आपको यहीं अप्लाई करना होगा। अगर इस विधि से हाथ नहीं आती है तो फिर आपको LED को ओपन भी करना पड़ सकता है। चलिए अब ये लेकर के अब इस नीडल में इसको टच करोगे, ऐसे इसको टच करोगे तो फिर ये नीडल जब हीट होगी तो ऑटोमेटिक ही आपकी सुई जो मतलब नीडल जो होगा आपका नीचे के साइड चला जाएगा। ये देखते रहना, पूरा नीचे की साइड आपको लेकर के चले जानी है। थोड़ा सा वेट करना होगा ताकि नीडल अभी पूरी गर्म है, अगर ऐसे निकालोगे तो फिर आपकी ढीली पड़ जाएगी और जल्दी बाहर आ जाएगी। देखो अंदर जाने के बाद अंदर चली गई है। अब चलिए इसको आहिस्ता आहिस्ता उठाते हैं ऊपर के साइड। तो भाई बहुत बार हमने निकालने का प्रयास किया लेकिन ये नीडल से नहीं निकल पा रही है क्योंकि इसके अंदर कोई फेविक्विक डाल दिया है जिसके कारण से ये चिपक गई है। अब इसको निकालने का एक ही विधि है कि आपकी पूरी LED को ओपन करना पड़ेगा। तो LED को ओपन करने के लिए यहाँ से इस नट को ओपन करोगे ना, फिर से आपकी LED ओपन होगी। भाई साहब पैनल को जब ओपन करोगे तो फिर आपकी एक निर्भर करती है कि आप थोड़ा सा पैनल को सफाई जरूरी कर देनी चाहिए, जिससे आपकी मदरबोर्ड में जितनी भी डस्ट वगैरह जमी होगी ना वो सब आपकी क्लीन और साफ़ हो जाएगा। देखिए यहाँ तक हम तो आ गए हैं, बोर्ड भी हमारी ओपन हो चुकी है। अब देखेंगे इसमें एक आपको प्रॉब्लम ये आती है कि यहाँ से इसकी जो ये वाइट वाली निकलनी है ना, यहाँ से इसमें छिपी हुई है, तो इसको निकालने के लिए हम इस कैपेसिटर को यहाँ से हटाएंगे तभी आपकी निकल पाएगी। चलिए बोर्ड को हम ओपन करते हैं क्योंकि बिना बोर्ड ओपन किए आप इसको नहीं निकाल सकते हो। देखो पूरी बोर्ड ओपन हो चुकी है और यहाँ से देखो तो ये पिन हमारी टूट गई है इसी के अंदर, तो इसको निकालने के लिए हमको ये वाली कैपेसिटर जो है ना इसका रिलीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम कैपेसिटर को नहीं हटाएंगे तब तक हमारी पिन की सुराग नहीं दिख पाएगी। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखते हुए चलना है कि आपको कैपेसिटर निकालते टाइम ये चीज़ ये ध्यान रखना है कि आपकी कैपेसिटर किस साइड से निकली हुई है। हालांकि मैं इसका एक शॉर्टकट आपको बता देता हूँ कि आपको जब कैपेसिटर निकालते हो अगर ध्यान भटक जाती है तो फिर आपको इसको कैसे करना होगा। ऐसे आप देखोगे ये माइनस की साइड होती है और यहाँ पर देखो तो एक धारी बनाई रहती है, ये भी माइनस की साइड होती है। चलिए कैपेसिटर तो हट गई है, बारी आती है इसका निकालने का। तो निकालने के लिए आप इसके जस्ट बाजू में एक होल बनाएं ऐसे यहाँ से और इसको पीछे के साइड से धकेल दें, आपकी पिन निकल जाएगी। देखिए जैसे ही आप धक्का दोगे ये पिन का टुकड़ा देखो ऐसे बाहर आ गई है, तो ये पिन हमारी अब बाहर आ चुकी है पूरा क्लियर व्यू से। चलिए इसमें एक 3RC आप इसको में इंजेक्ट करके ज़रूरी टेस्ट आउट कर लेना कि आपकी 3RC क्लियर रूप से जाती है अंदर की नहीं जाती है। देखो 3RC हमारे बहुत ही सहज रूप से हमारी अंदर चली जा रही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो हमारी ये पिन अब निकल चुकी है। बात आती है इसके कैपेसिटर लगाने का, तो कैपेसिटर लगाने के लिए इस लेग वायर को अच्छे से साफ़ करो कैपेसिटर के पॉइंट को। ट्रैक साफ़ हो गई है, बस आपको कैपेसिटर दोनों साइड देखते हुए बैठा लेनी है, आपकी कनेक्शन पूरी हो जाती है। देखो कैपेसिटर वगैरह सब कुछ लग गया है हमारा सेम टू सेम, अब बस फिटिंग वैसा ही करना है जैसे आपने PCB को खोला हुआ था।